गोरखपुर में चौरा चौरी थाने पर तैनात हेड कांस्टेबल की दबंगई का मामला सामने आया है। कांस्टेबल पर आरोप है कि कुछ लोगों के कहने पर कांस्टेबल ने एक अंडे की दुकान चलाने वाले दुकानदार को न सिर्फ पीटा बल्कि उसकी दुकान में भी तोड़फोड़ की। हमारा काफी पुराना दुकान है और उस पे हम काम कर रहे थे, अरविंद सिपाही आए हैं और लगे हैं तोड़ फोड़ करने और गाली गलौज देने लगे। तो हम पूछे क्यों कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मंटू दुबे एप्लीकेशन दिए हैं आपके खिलाफ। इतना ही नहीं, जिसने भी बीच बचाव करने की कोशिश की कांस्टेबल ने उसे भी नहीं बख्शा। इनका मामला यह है कि सरैया चौराहे पे इनका काफी पुराना दुकान है। ये बेचारे गरीब आदमी है, इनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और वहाँ पे इनका अंडे की दुकान था पहले, और वहाँ ये अपना काम कर रहे थे। और यहाँ की स्थानीय पुलिस से अरविंद सिपाही जी वो आए, एक स्थानीय मनबड़ के कहने पे वहाँ तोड़ फोड़ किए, गाली गुप्ता दिए, भद्दी भद्दी गालियाँ दिए और मैं भी आया। तो वो यह भी नहीं सोचे कि कौन सामाजिक व्यक्ति है और कौन क्या है, वो लगे जो है कि हमसे भी बदतमीजी करने लगे और आए हैं उनके खिलाफ जो है कि जम के यहाँ जो है कि भी बात किया हूँ, बात किया गया है प्रशासन से और अभी दूसरी पछाड़ी और बातचीत चलेगी और उनके खिलाफ जो भी उचित होगा कार्यवाही करने का हम लोग गुहार लगाएंगे। अब पीड़ित लोग सिपाही के खिलाफ लामबद्ध होकर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। देखना ये है कि दबंगई दिखाने वाले कांस्टेबल पर प्रशासन कब तक कार्यवाही करेगा। गोरखपुर से न्यूज़ के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट।